मनमोहन एक किसान था, ज्यादा कमाई नहीं थी, बस किसी तरह वो घर और अमित की पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। सुजाता की बात सुनकर उसने कहा, सुजाता ख्याल तो अच्छा है, पर तुम तो जानती ही हो ना, इस बार आधे से ज्यादा फसल खराब हो गई, पूरे महीने के खर्च लायक पैसे भी नहीं बचे हैं। ऐसे में छठ पूजा कितना भी कम करो पर खर्चा तो होगा ही ना। बात तो आपकी ठीक है जी, पर आप ही बताओ मैं अमित को कैसे मना करूं, बहुत उदास हो जाएगा वो। अच्छा ठीक है, रुक जाओ थोड़ा, वैसे मुझे एक बात और करनी थी तुमसे। हाँ जी बताइए ना। वो मेरा दोस्त है ना कन्हैया, जो शहर से कुछ ही दिन पहले आया है, अरे वो बता रहा था कि उसके सेठ को एक चौकीदार की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि खेती बाड़ी में तो अब वैसे भी कुछ नहीं रखा है, जाकर वही नौकरी कर लूँ। ये तो अच्छा है जी, अभी तो छठ पूजा के लिए भी पूरा एक महीना है, अगर बात बन गई और कुछ पैसे मिल गए तो बच्चे का मन रह जाएगा और इस बहाने हम भी छठ पूजा मना लेंगे। तो ठीक है फिर, मैं कल ही चला जाता हूँ शहर। अगले दिन मनमोहन अपने दोस्त के साथ शहर जाता है और नौकरी शुरू कर देता है। कई दिन बीत जाते हैं, फिर एक दिन, माँ पापा को गए हुए कितने दिन हो गए, छठ पूजा भी आने वाली है, वो कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, तेरे बाबा कह रहे थे कि इस बार छठ पूजा अच्छे से मनाएंगे। सच माँ, फिर तो बहुत मजा आएगा। सुजाता की बात सुनकर अमित बहुत खुश हो जाता है, वो छठ पूजा का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उधर शहर में मनमोहन पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, वो सेठ के घर पर चौकीदार था और पूरी रात जाकर घर की रखवाली करता था। एक दिन रात के वक्त वहाँ कुछ चोर आ जाते हैं, वो चुपचाप सेठ के घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनमोहन उन्हें देख लेता है। वो चिल्ला कर कहता है, ए कौन है माँ, ए रुको अभी मजा चखाता हूँ तुझे। चोर सेठ के घर पूरा प्लान बनाकर आए थे, मनमोहन के सामने सिर्फ एक आदमी था, जबकि उस चोर के बाकी साथी मनमोहन पर पीछे से हमला कर देते हैं। वो सबसे पहले मनमोहन का मुंह एक कपड़े से बांध देते हैं ताकि वो चिल्ला न सके, फिर वो उसे एक कुर्सी से बांध कर वहीं छोड़ देते हैं। मनमोहन खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उन चोरों को नहीं रोक पाता। चोर बड़े ही आराम से घर में घुसते हैं और घर का काफी सारा सामान चुरा कर वहां से बाहर भी निकल जाते हैं। सेठ और सेठानी उस वक्त घर पर नहीं थे, वो एक पार्टी में गए हुए थे और रात को देर से घर आने वाले थे। चोरों को ये बात पहले से ही पता थी। चोरों को जाते देख कर मनमोहन पूरी ताकत लगाता है और आखिरकार वो रस्सी तोड़ देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, चोर उसकी पहुंच से काफी दूर थे, फिर भी वो उनका पीछा करता है। लेकिन रास्ते में एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है, हालांकि ड्राइवर के सही वक्त पर ब्रेक लगाने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। गाड़ी में वही सेठ और सेठानी थे जिनके यहाँ मनमोहन नौकरी करता था। सेठ मनमोहन को देखकर गुस्से से कहता है, अरे मोहन तू यहाँ क्या कर रहा है, घर में कोई घुस गया तो? घुस गए साहब, घुस गए, चोर घुस गए और चोरी करके भाग भी गए, मैं उन्हीं के पीछे तो भाग रहा था। चलिए वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, गाड़ी से उन्हें पकड़ लेते हैं। क्यों, क्या बकवास कर रहा है तू? तू तब क्या कर रहा था जब चोर घर में घुसे? तनख्वाह किस बात की देता हूँ मैं तुझे? साहब मैंने रोका था उन्हें, उन्होंने मुझे बांध दिया था। कहानियां मत बना मेरे सामने, चोरों ने तुझे बांधा तो यहाँ कैसे पहुँचा तू? सच बता, तेरे साथ ही थे ना वो, और तू भी उसके साथ भाग रहा था ना? नहीं साहब ये सच नहीं है, मैं तो। अरे आप जल्दी घर चलिए, हे भगवान ना जाने क्या क्या ले गए होंगे घर से, और मेरी मानिए तो आप पुलिस भी बुलवाई लीजिए, वही इससे सच उगलवाएगी अब तो, और शायद तभी हमारा सामान भी हमें वापस मिल पाए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। सेठ मनमोहन की एक नहीं सुनता और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस मनमोहन को जेल में बंद कर देती है, पुलिस उसका फोन छीन लेती है। सुजाता भी उसका फोन नहीं लगने से बहुत परेशान हो जाती है, पर उसके पास इंतजार करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। मनमोहन का दोस्त कन्हैया भी उस वक्त गांव में नहीं था, छठ पूजा को सिर्फ दो दिन रह गए थे। सुजाता किसी तरह प्रसाद के लिए राशन का इंतजाम करती है और जंगल से बांस की लकड़ी लाकर खुद अपने हाथों से पूजा के लिए टोकरी और सूप बनाती है। अब सिर्फ कुछ फल और ईख की जरूरत थी, लेकिन सुजाता के पास उन्हें खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अमित सुजाता की मुश्किल अच्छे से समझ रहा था, वो पास के एक खेत से ईख चुराने की कोशिश करता है। खेत का मालिक उसे देख लेता है और उसे पकड़कर सुजाता के पास ले जाता है। सुजाता बहन कहाँ हो,
देखो तुम्हारा लड़का क्या कर रहा था। अरे बिरजू भैया, क्या हुआ, क्या किया इसने? मेरे खेत से गन्ना चुरा रहा था, रंगे हाथ पकड़ा मैंने इसे। माफ करना भैया, मैं समझाती हूँ इसे, आगे से ऐसा नहीं होगा। खेत का मालिक वहाँ से चला जाता है। फिर सुजाता अमित से पूछती है, अमित क्या है ये सब, तुमने चोरी क्यों की? माँ मुझे पता है, आपके पास छठ पूजा के लिए ईख और फल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बाबा भी पता नहीं कहाँ है, तो मैंने सोचा। तो तुमने सोचा कि चोरी करके त्योहार मनाओगे? नहीं बेटा, ये बहुत गलत बात है, ऐसे छठ पूजा मनाने का कोई फायदा नहीं। तो क्या हुआ अगर हम बिना ईख और फलों के पूजा करते? पूजा में श्रद्धा की अहमियत सबसे ज्यादा होती है बेटा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, मुझसे गलती हो गई, मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। पर माँ बाबा घर क्यों नहीं आ रहे? वो आ जाते तो हम ईख और फल भी खरीद पाते ना। सुजाता के पास अमित के सवाल का कोई जवाब नहीं था, वो खुद मनमोहन के घर न आने से दुखी थी। फिर छठ पूजा का पहला दिन आ जाता है, वो पूरे विधि विधान से व्रत रखती है और अमित भी हर विधान को उसके साथ पूरा करता है। सूर्य भगवान को अर्घ देने के साथ ही सुजाता प्रार्थना करती है, हे सूर्य भगवान, आप तो पूरे संसार का अंधेरा दूर करते हो, मेरे पति कहाँ हैं, कैसे हैं, मुझे नहीं पता, उनके बिना मेरा और मेरे बेटे के जीवन में भी अंधेरा छा गया है, कृपा कीजिए और उन्हें घर वापस ले आइए। उधर शहर में पुलिस मनमोहन के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, बल्कि सेठ के घर के सामने लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से उस रात का पूरा वाकया सामने आ गया और इस तरह मनमोहन निर्दोष साबित हुआ। मनमोहन जेल से बाहर आ गया और सेठ उसके सामने शर्मिंदा होकर बोला, माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया, ये मेरी गलती थी, मैं तुम्हें वापस नौकरी पर रखना चाहता हूँ, वो भी पहले से ज्यादा तनख्वाह पर। शुक्रिया साहब, पर मैं सबसे पहले अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरी बीवी और मेरा बच्चा अकेले हैं, उन्हें मेरी चिंता हो रही होगी। सेठ मनमोहन को कुछ पैसे देकर उसके गांव भेज देता है। सुजाता और अमित मनमोहन को देखकर बहुत खुश होते हैं। मनमोहन उन्हें अपने साथ हुआ पूरा किस्सा सुनाता है। फिर सुजाता उससे कहती है, सब सूर्य भगवान की कृपा है जी, आप इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आए, मैं तो कहती हूँ अब से हम हर बार छठ पूजा मनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल मनाएंगे और खूब अच्छे से मनाएंगे, क्यों क्यों अमित? अमित अपने पिता के गले लग जाता है। फिर सब लोग मिलकर पूरी श्रद्धा से छठ पूजा करते हैं। अमित बहुत खुश था, छठ पूजा मनाने की उसकी इच्छा पूरी जो हो गई थी, साथ ही अब उसने ईमानदारी के महत्व को भी समझ लिया था।